दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोम के मैट्रेस घर पे ही कैसे आप बना सकते हो। आम तौर पे जब आप मैट्रेस लेने मार्केट के अंदर जाते हो तो दो तरीके के मैट्रेस आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं। एक होता है कवर्ड मैट्रेस, जो कंपनी रेडीमेड बना के आपको देती है। अलग अलग मैट्रेस के मॉडल होते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा फील चाहिए, कैसा मैट्रेस लेना है, उसका एक रेट फिक्स होता है। दूसरे आते हैं कस्टमाइज मैट्रेस। कस्टमाइज मैट्रेस में क्या होता है, ओपन फोम की सीटें मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है। पीयू फोम होता है, एचआर फोम होता है, सॉफ्ट फोम मिलता है, मेमोरी होती है, बॉन्डेड, इन सभी टाइप्स के फोम मार्केट के अंदर ओपन बिकते हैं। तो अगर आपको लो बजट मैट्रेस बनाना है, आपके पास अगर टाइम है मैट्रेस घर पे बनाने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आप अपने घर पे मैट्रेस कैसे बना सकते हो। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। लो बजट में आप अच्छा मैट्रेस अपने घर पे ही बना सकते हो। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली मैट्रेस के अंदर जो बेज आता है, उसके अंदर जो फोम यूज़ होता है, उसके अंदर आता है इस तरीके का एचआर फोम, चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का हो, इस तरीके का एचआर फोम। और दूसरा आता है इस तरीके का पीयू फोम। ये पीयू फोम है। दोनों में डिफरेंस वैसे यही है कि ये वाला जो फोम है उसका जो बाउंस बैक है वो इतना नहीं रहता कंपेयर टू एचआर फोम। इसका बाउंस बैक ज़्यादा रहता है, हाई रेजिलियंस फोम बोलते हैं। तो बेस के अंदर आप इस तरीके का एचआर फोम रख सकते हो, या फिर पीयू फोम रख सकते हो, या फिर बॉन्डेड फोम भी आता है, बॉन्डेड फोम भी रख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे दो फोम है जो सबसे ज़्यादा मैट्रेस में यूज़ होते हैं, पीयू फोम और एचआर फोम। अब देखते हैं इसको किस तरीके से मैट्रेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 6x6.5 का हम मैट्रेस अभी बना रहे हैं। मार्केट के अंदर आमतौर पर 100mm का, यानी 4 इंच का जो बेज है वो मिलता है। 4 इंच इनफ है बेज में रखने के लिए। इसके ऊपर भी डायरेक्ट आप कवर वगैरह लगा सकते हो, मगर अगर आपको इसमें सॉफ्टनेस चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट रखना है, तो इसके ऊपर आपको एक एडिशनल लेयर लगाना पड़ेगा। वो जो लेयर होगा वो इस तरीके का होगा, सॉफ्ट फोम का, जैसा कि आप देख रहे हो। ये 2 इंच का है सॉफ्ट फोम का लेयर इस तरीके का। मैं आपको प्रैक्टिकल इसके ऊपर ये चिपका के दिखाऊंगा, एसआर लगा के, कि किस तरीके से आप अपने घर पे इसको चिपका सकते हो। बहुत ही ईजी टास्क है। इसके अंदर जो एसआर यूज़ होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको चिपकाने के लिए जो एसआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मार्केट के अंदर इजीली आपको 170 रुपीज़ के आसपास 500 ग्राम आपको मिल जाएगा। इतना तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 350-400 ग्राम के आसपास इसमें ज़रूरत पड़ेगा चिपकाने के लिए। जो एसआर आता है वो ऑलमोस्ट फेविकोल कंपनी का आता है, 707 लेना है। ये स्पेशली फोम के लिए ही बनाती है कंपनी। तो इस तरीके का एसआर का जो एसआर का केन है वो आराम से मार्केट में आपको 170 रुपीज़ में मिल जाएगा, डबल बेड के मैट्रेस को चिपकाने के लिए इनफ है इतना। तो अब दिखाता हूँ कैसे इसको चिपकाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसके ऊपर एसआर है वो किस तरीके से लगाते हैं। आइए, इस तरीके की जो पट्टी है, इस तरीके की कोई भी आप पट्टी लेके इसके ऊपर डुबो के इस तरीके से लगाना है, जैसे ये भाई साहब लगा रहे। पहले जो बॉर्डर आता है उस पूरी बॉर्डर पे लगाना है चारों ओर, ताकि बॉर्डर के ऊपर से सेग ना हो। जो ऊपर का जो हम सॉफ्ट फोम लगाने वाले हैं वो बहुत ही इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी टास्क। वैसे अगर देखें तो आप जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हो वही सिस्टम है। दोस्तों अब देखते हैं इसके ऊपर जो सॉफ्ट फोम लगता है उसमें किस तरीके से एसआर लगाते हैं। सेम ही तरीका है, कोई डिफरेंस तरीका नहीं है।
जैसे पीयू फोम में लगाया था उसी तरह पे इस सॉफ्ट फोम पे लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब पीयू फोम की जो सीट है फोम की वो भी रेडी है और सॉफ्ट फोम की जो सीट है वो भी रेडी है। अब इसको कैसे चिपकाते हैं वो देखते हैं, किस तरीके से इसको इसके ऊपर रखना है और कैसे चिपकाना है, आइए देखते हैं। इसको इस तरीके से सेट करना है, जो भी बॉर्डर है बॉर्डर टू बॉर्डर रखना है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे है तो इस तरीके से बॉर्डर पे ले आना है फोम को ताकि सीधा आ जाए, और बाद में जो ये वाला है यहाँ पे इस तरीके से करके इसको चिपकाना है। पहले जो एज है इस तरीके की, वो चारों ओर की जो एज आती है उसको पहले सेट कर देना है, बाद में इसको चिपकाना है इस तरीके से। SR लगाने के बाद इसको 10 मिनट के आसपास इसको सूखने देना है, बाद में ही इसको इसके ऊपर चिपकाना है। पहले डायरेक्ट लगा के डायरेक्ट नहीं लगा देना है, 10 मिनट तक इसको सूखने देना है, बाद में ही ऊपर की जो सॉफ्ट सीट है उसको चिपकाना है। तो इस तरीके से जब ऊपर की सीट लगाते हैं तो पूरा जो मैट्रेस है उसका बेस और ऊपर का जो सॉफ्ट फोम है वो रेडी हो जाता है। बाद में इसके ऊपर ये चिपकाने के बाद इसके ऊपर चलना है या आप लेट भी सकते हो इसके ऊपर, ताकि जो बीच का पार्ट है जहाँ पे हमने SR लगाया था वो प्रॉपरली चिपक जाए। दोस्तों इसके ऊपर जो कवर फिट होता है वो दो तरीके के आते हैं, एक आता है इस तरीके का कॉटन बेस कवर जिसके अंदर कॉटन का फीलिंग आता है इस तरीके का, इसको कॉटन क्विल्ट कहते हैं, और दूसरा जो कवर आता है इसके ऊपर लगता है वो सिंपल क्लोथ कवर आता है इस तरीके का। अगर इसका कॉस्टिंग देखें तो डबल बेड का अगर आप इसको बनवाते हो मार्केट के अंदर तो ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ से स्टार्ट होता है अच्छी क्वालिटी का, और ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ तक की क्वालिटी का मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है। तो आपको इजीली कोई भी हैंडलूम वाला है या कोई भी क्विल्ट कवर जो बना रहे हैं उसके पास से आराम से आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा आएगा इस तरीके का कॉटन कवर, कॉटन कवर में डबल बेड का अगर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और हाईएस्ट इसकी वैसे कोई लिमिट नहीं है, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ तक मिलते हैं। 1000 रुपीज़ में आपको 100% कॉटन के कवर आराम से मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, और आप अपने हिसाब से इसका कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। दो कवर रखना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है कि ये कवर जो हम इस गद्दे के ऊपर लगाते हैं तो इसको वॉश करने के लिए कंटिन्यूसली निकालना ना पड़े, इसको अगर साल में एक आध बार निकालेंगे तो भी चलेगा, मगर जो ऊपर का कवर है इस तरीके का जो कॉटन कवर आता है उसको आप 2-3 महीने 6 महीने में
वॉश करने के लिए इसको निकाल के आप क्लीन कर सकते हो, ताकि मैट्रेस के जो हाइजीन है उसको आप मेंटेन कर सको और इसको आप इजीली वॉश कर सको। और ये जो कॉटन फील्ड कवर आता है वो एक साइड इसका कॉटन आता है और दूसरी साइड का जो है वो सिंपल कपड़ा आता है इस तरीके का। अगर आपको दोनों साइड में इस तरीके का कॉटन क्विल्ट करना है, कॉटन फीलिंग वाला, तो आप इस तरीके का भी दोनों साइड क्विल्ट वाला भी बनवा सकते हो। मार्केट के अंदर दोनों अवेलेबल रहते हैं, जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। उसका एक ही बेनिफिट है कि इस तरीके का जब आप मैट्रेस बनाते हो तो इसमें क्या होता है, ये साइड जो है ये सॉफ्ट वाली साइड आ गई मैट्रेस के अंदर। जब यहाँ पे लेटेंगे तो आपको मीडियम सॉफ्ट वाला फील मिलेगा, और मैट्रेस को जब आप फ्लिप कर दोगे तो ये वाली जो साइड है नीचे की साइड वो हार्ड होगी। तो इसका बेनिफिट यही होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको हार्ड फील यूज़ करना है और आपने दोनों साइड जो क्विल्ट वाला कवर यूज़ किया है कॉटन का, तो आप दोनों साइड आराम से यूज़ कर सकेंगे और आपको कंफर्ट भी बेस्ट देगा। दोस्तों, इस तरीके का मैट्रेस अगर आप घर पे बनवाते हो तो ऑलमोस्ट इसका कॉस्टिंग डबल बेड का अगर लेते हैं तो 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज़ के आसपास तक का मैट्रेस आप अपने घर पे बना सकते हो। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, आप कौन सी ब्रांड का मैट्रेस, कौन सी ब्रांड का आप फोम सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से मैट्रेस का कॉस्टिंग निकलेगा। मगर जब आपको घर पे बनाना है तो आप इजीली इस तरीके से मैट्रेस आराम से बना सकते हो। इसके ऊपर सिंपली इस तरीके का कवर लगाना है, वो भी आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं कवर, और दोनों कवर इसके ऊपर लग जाते हैं तो मैट्रेस तैयार हो जाता है। डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको सूखने देने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, 10-15 मिनट ऐसे रहेगा तो बाद में आप इसके ऊपर कवर लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के बारे में जो भी प्रैक्टिकल हमने आपको बताया उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।